पाटी से गंधावल, सिलावद, सेंधवा व महाराष्ट्र को जोड़ने वाले मार्ग के बीच बेनी नदी पर पुल नहीं होने से लोगों को बारिश के दिनों में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही छोटी पुलिया होने से बारिश के दिनों में पुलिया के ऊपर से पानी बहता था, जिससे घंटों तक आवागमन बंद रहता था। इसके अलावा छोटी पुलिया होकर घुमावदार मोड़ होने से कई लोगों ने एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है। साथ ही लोग पुलिया से सीधे पत्थरों पर गिर चुके हैं। सालों पुरानी समस्या इस साल के मप्र बजट में खत्म हुई। यहां पर पुल निर्माण करने के लिए सरकार ने स्वीकृति दी। इसके बाद सेतु निगम के अधिकारियों ने पाटी पहुंचकर बेनी नदी के किनारे पुल बनाने के लिए सर्वे किया। अब अधिकारी डीपीआर बनाकर आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बारिश के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। सेतु निगम सब इंजीनियर अजय मुकाती ने बताया कि बेनी नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हमने लोकेशन देखी, पुल के पिलर सहित निर्माण कार्य के दौरान सामग्री रखने की जगह आदि देखी है। अब डीपीआर बनाई जा रही है। डीपीआर में तय होगा कि पुल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। डीपीआर को तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर बारिश के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अगले साल लोगों को पुल से आवागमन करने की सुविधा मिल सकती है। राज्यसभा सांसद स्वीकृति के लिए कर रहे प्रयास पुल निर्माण की समस्या को देखते हुए पिछले 4 साल से राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी इसको स्वीकृति का प्रयास कर रहे थे। इस साल बजट में इसकी स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही पाटी से सिलावद तक मार्ग भी बनेगा। इससे क्षेत्र की जनता में खुशी का माहौल है। बेनी नदी का उद्गम स्थल पहाड़ों में होने से बारिश का पानी नदी में तेजी से आ जाता था। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जा से नदी पर बने छोटे पुलिया के ऊपर से पानी बहता था। इससे लोगों के बहने का खतरा बना रहता है। सालों पुरानी मांग इस साल पूरी हुई है। इस दौरान जनपद पूर्व उपाध्यक्ष दिलू मालविया, जनपद सदस्य प्रतिनिधि मनोज डांगी, भाजपा वरिष्ठ नेता लखन भावसा सर्वे किया जा रहा है, बैंक टू बैंक प्रपोज किया है और इसको सीधा कर देंगे पूरा। अब लागत का जो है पूरा डिटेल सर्वे के बाद लिखता हो पाएगा। ये हमारी 75 से 90 मीटर बनना चाहिए। सर्कुलर पियर रहेंगे और दोनों साइड अपार्टमेंट रहेंगे, बैंक टू बैंक बनेगा और उसका फार्मेशन लेवल है ऊपर के लेवल हो जाएगा। हमारी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो विकासशील सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, वैसे तो पूरे प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं, पर हमारे बड़वानी विधानसभा के इस पाटी क्षेत्र में हमारे विकास पुरुष आदरणीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के प्रयासों से, लोकसभा सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी के प्रयासों से, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय प्रेम सिंह पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भाई बलवंत पटेल जी, इनके नेतृत्व में सतत हमारे क्षेत्र में विकास चल रहा। उसी की कड़ी में सिलावद से पाटी तक 2 लेन सड़क का निर्माण और साथ ही वेणी नदी पर बड़े पुल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका कि आज ब्रिज कॉरपोरेशन के द्वारा सर्वे किया गया और सर्वे करके यहां से टीम कुआखंड नदी में गई है और सिलावद और पाटी के बीच में जितनी भी बड़ी नदियां उनके ऊपर बड़े पुलों का निर्माण होगा। ये बेनी नदी का जो पुराना ब्रिज है ये बहुत खतरनाक स्थिति में हो गया है और ये जो बड़ा ब्रिज जो बनेगा इससे आवागमन सरल हो जाएगा और सिलावद हाईवे से जुड़ जाएगा, जिससे दुर्घटनाएं जो होती थी उससे बच जाएंगे। माननीय सांसद सुमेर सिंह जी के द्वारा लगातार प्रयासों से ये कार्य प्रगति पे आने वाला है। आज सर्वे की टीम आई थी, हम भी आए
उनको उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा है कि इसका हम पूरा ऐसा बनाएंगे जैसे गोई नदी का अपना है ना, जैसे पूरा प्लेन रोड बनेगा, ब्रिज बनेगा। तो कुआखेड़ एक बेड़ी नदी और एक टूकी खेड़ा का है।